हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने जो एनालिसिस की है और उससे मैंने 5 स्टॉक्स निकाले हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और उसके एनालिसिस भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैंने एनालिसिस की है, और साथ में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेरे जो व्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है, और बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर एक मेजर जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था उसका यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। तो वो परसों ही हो गया था ब्रेकआउट, और मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे यहाँ पर पोस्ट भी किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज जब निफ्टी बैंक निफ्टी खुली तो यहाँ पर मेरा कोई भी शॉर्ट करने का मूड नहीं था, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते कि मेजर जो ट्रेंड लाइन है 1 आवर वाली उसका ब्रेकआउट हुआ है। इस वजह से मेरे को भी लग रहा था कि एक रिट्रेसमेंट आएगा, पर यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल नहीं होगा। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ, मैं यहाँ पर अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पर लगा के रखा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्यूरेट 0. यहाँ पर उसने गैप डाउन ओपनिंग की, 0.5 पर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पर से एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ दिखाई। तो कल के लिए मेरे व्यूज क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते कि बैंक निफ्टी जो है वो एक अच्छे से अप ट्रेंड में है। तो सिमिलर वे में हम देख सकते हैं कि अगर ये यहाँ पर से गैप डाउन खुला तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, फिबोनाची लगाऊंगा इधर से इधर तक। तो मैं सिर्फ वेट करूंगा एक रिट्रेसमेंट का। अगर नीचे की तरफ ये रिट्रेसमेंट आती है तो लगभग ये 0.3 लेवल या फिर 0.5 लेवल के बीच में ये प्रीवियस हाई जो आ रहा है यहाँ पर वो सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर से अच्छा सा बाउंस दिखा सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखी तो आज का जो हाई इसने बनाया है वो यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि इस तरह के सपोर्ट का काम करेगा। हम यहाँ पर पुल बैक पे हम यहाँ पर बाइंग जो है वो कर सकते हैं। ये जो मेरे व्यूज है बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर मेरे व्यूज क्या है, निफ्टी पर भी सिमिलरली आप अगर हम 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो मेजर रेजिस्टेंस पर है। तो हमें देखना पड़ेगा 1-2 सेशंस की इस वाले मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या नहीं करता। अगर करेगा तो हम निफ्टी में भी एक अच्छी सी मूव यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं, पुल बैक्स पे बाइंग हम कर सकते हैं। अदरवाइज ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। सिमिलर मैंने यहाँ पर भी पोस्ट किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट में भी मैंने ये पोस्ट किया था कि यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आज इसने यहाँ पर सपोर्ट लेकर, ये वाली जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ की है यहाँ पर सपोर्ट लेकर वो ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव उसने दिखा दी। यहाँ पर 15 मिनट में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले सपोर्ट पर उसने सपोर्ट लेकर अच्छी से एक मूव हमें दिखा दी। तो ये है मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यूज। अभी हम 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक। अभी HDFC बैंक मैंने क्यों चूज किया, अगर हम 4 आवर का चार्ट टाइम फ्रेम खोलेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में अभी जो प्राइस ट्रेड कर रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही है। 1, 2, 3, 4, लगभग 4 बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और अभी जो प्राइस ट्रेड कर रही है एक्यूरेटली इस ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रही है। और अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाए तो आपको और क्लियर व्यू आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा बन रहा है, या फिर हम इसको पेनेट भी बोल सकते हैं। तो पेनेट का ये हुआ डंडा और ये हुआ आगे का फ्लैग, तो इसको हम पेनेट भी कह सकते हैं। तो और अगर हम यहाँ पर सेशन वॉल्यूम लगाए तो सेशन वॉल्यूम हम 2-3 दिन के लिए लगाए तो हम यहाँ पर देख सकते कि ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पर ट्रेड हुआ है, इसी एरिया में बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इसका अप साइड में ब्रेकआउट होता है, यानी कि यहाँ पर अगर अप साइड में ब्रेकआउट होता है तो एक पुल बैक देखकर हम बाइंग कर सकते हैं, अच्छा सा मूव हमें यहाँ पर मिलेगा। सिमिलरली अगर ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर भी हम एक पुल बैक देखकर सेलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट जा सकते हैं, अच्छा सा हमें डाउन साइड में जो है वो मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर एकदम आसान थी ये वाली एनालिसिस, और हमें यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट भी मिल सकता है, इस वजह से मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है। अभी सेकेंड स्टॉक जो है वो है HDFC बैंक। अभी HDFC बैंक मैंने यहाँ पर क्यों चूज की, HDFC बैंक वॉच लिस्ट में मेरे 2-3 दिनों से है। मैंने यहाँ पर जो अलर्ट्स भी लगा के रखे थे, यहाँ पर लगा के रखा था और यहाँ पर लगा के रखा था, पर वो क्या कर रहा है, अलर्ट को हिट कर रहा है पर फिर से उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक अच्छा सा जोन उसने बना दिया है जिसको कि हम एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। अगर ये अप साइड में ब्रेक हुआ तो वो एक्यूमुलेशन होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पर
यहाँ पर हमें बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर इसका अप साइड में ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा सा मूव हमें देखने को मिलेगा, अगर इसका डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ तो सिमिलरली ये अच्छे से गिरेगा। तो अगर हम सेशन वॉल्यूम लगा के देखें 2-3 दिनों के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग कहाँ पर हुई है, सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग यहाँ पर हुई है। इसका मतलब ये जो जोन है अभी क्रूशियल जोन बन गया है, अगर इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो जाएगा तो एक अच्छी सी मूव हमें अप और डाउन डायरेक्शन में मिल सकती है। तो हम चलेंगे एक्सिस बैंक के ऊपर। थर्ड जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो है एक्सिस बैंक। अभी एक्सिस बैंक यहाँ पर मैंने क्यों चूज किया है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे। एक्सिस बैंक एक अच्छे से अप ट्रेंड में है और बहुत ही पास है अपने जो रेजिस्टेंस है 4 आवर का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया था और बाद में बहुत बुरी तरह से गिरा था ये कोरोना की वजह से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो हाई है इसके पास ये अभी आ चुका है। और अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिबोनाची प्रोजेक्शन टूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 कर कर जो लाइन आ रही है ये इसका रेजिस्टेंस है। अब वो किस तरह से फाइंड किया मैंने आपको यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सीरीज भी बनाई है, वहाँ पर भी बताया है। और अभी यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि हमें सिर्फ जो है स्विंग सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर मैं डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस तरह से स्विंग सिलेक्ट किए है और यहाँ पर एक्यूरेटली मैंने ये 3 स्विंग सिलेक्ट किए, 2 स्विंग सिलेक्ट किए और यहाँ पर 1 करके यहाँ पर रेजिस्टेंस आया। इसने पिछली बार भी यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, अगर हम 15 मिनट पे चलेंगे तो पिछली बार भी इसने रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर एक अच्छी सी नीचे की तरफ मुंह दिखाई थी। यहाँ पर एक अच्छी सी रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिली और फिर से अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है तो यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न बन गया है। तो अगर ये राइजिंग वेज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा सा हम यहाँ पर से शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ पर जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो एक राइजिंग वेज अच्छी से दिखाई दे रहा है, ये जो है वो रेजिस्टेंस है। और सिमिलरली अगर ये अप के साइड में ब्रेकआउट देता है तो अच्छा सा हम बाय कर सकते हैं, पर हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 758 ये होना चाहिए, 758, उससे ज़्यादा मत रखिए क्योंकि एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर प्राइस जो है वो रिजेक्शन फेस कर सकती है। तो ये जो है था वो मेरा एक्सिस बैंक के लिए एनालिसिस था। और लास्ट जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। अभी इन्फोसिस में भी सिमिलर व्यूज है HDFC की तरह। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेजर ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है स्टॉक। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम 4 आवर का टाइम फ्रेम खोल रहे हैं तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है अच्छा सा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है प्राइस को इन्फोसिस के। और सिमिलरली हम 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे तो यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर वो सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ रही थी, पर उसने इस ये वाली अब ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ पर कंसोलिडेट किया आज के दिन के लिए। तो आज क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। तो अगर ये वाली जो नीचे वाले जो सपोर्ट या फिर हम नेक लाइन कहते हैं इसको ये ब्रेक डाउन कर देते या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो सिमिलरली हम एक पुल बैक देख कर हम सेल कर सकते हैं इस वाले ट्रेंड लाइन तक। और अगर ये यहाँ पर ऊपर जाएगी तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कब तक ट्रेड नहीं करूंगा, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ये कट कर ऊपर तक नहीं आती तब तक इसमें बाइंग का ट्रेड नहीं लूंगा। लूंगा तो यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लूंगा अगर ये स्टॉक जो है वो वीक दिखा तो। तो यही थे मेरे 5 स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। होप है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।